हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ किचन टिप्स शेयर करी हूँ जो आपके रोज़मर्रा के काम को आसान कर देंगे। पहली टिप हमारी मच्छर मक्खी को लेकर है। मच्छर मक्खी हमारे घर में इस समय काफ़ी आते हैं, तो उसके लिए हम 6-7 लहसुन लेंगे और उसे एक पिन में डाल देंगे और उसे बर्तन की रैक के पास लगा देंगे। ऐसा करने से मच्छर मक्खी लहसुन की महक से दूर भागते हैं, तो वो इसके आसपास भी नहीं आएंगे और किचन हमारा बिल्कुल साफ सुथरा रहेगा। अब हमारी दूसरी टिप अदरक लहसुन के पेस्ट को लेकर है। आप बाज़ार से अदरक लहसुन का पेस्ट लाते हैं तो उसमें पॉजिटिव मिला रहता है जो काफ़ी नुकसानदायक होता है, तो उसे हम घर में बेहद आसान तरीके से बना सकते हैं और ये एक महीने तक नहीं ख़राब होता है। मैंने इसके लिए 200 ग्राम लहसुन लिया था और 100 ग्राम अदरक लिया है। इसे हम थोड़े से पानी में बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। देखिए, इसे मैंने बारीक पीस लिया है। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें हम तेल डाल देंगे। तेल गर्म होने पे इसमें हम सारे पेस्ट को डाल देंगे और आँच को हल्का कर देंगे और इसे हल्की आँच पे हम धीरे धीरे भून लेंगे। इसमें का सारा पानी ख़त्म हो जाना चाहिए और अदरक लहसुन का कच्चापन भी दूर हो जाना चाहिए। देखिए, ये सूख गया है और इसका कच्चापन भी दूर हो गया है। अब इसे हम अच्छी तरह से ठंडा करके एक डब्बे में रख देंगे, चाहे स्टील का हो या प्लास्टिक या जार, आप किसी में भी इसे रख कर फ्रिज में रख देंगे तो ये एक महीने तक ख़राब नहीं होता है। मैंने इसमें बिल्कुल भी प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं किया। आप चाहें तो थोड़ी सी इसमें हल्दी मिला सकते हैं। चौथी टिप में मैं आपको एक DIY बनाकर दिखाती हूँ। इस समय गर्मी है तो पंखा चलाते समय पर्दे हमारे उड़ने लगते हैं जिससे हमें काफ़ी दिक्कत होती है। तो मेरे पास एक कंगन पड़ा हुआ था और एक डोरी पड़ी हुई थी। अब कंगन में हम डोरी को अच्छी तरह से लपेट लेंगे और थोड़ा सा भाग हम छोड़ देंगे। इसी तरह हम दूसरी तरफ भी डोरी को लपेट देंगे और थोड़ा सा भाग इसमें भी हम छोड़ देंगे। ये काफ़ी अच्छा DIY है। अब हम पर्दा लेंगे और पर्दे पर हम इसे अच्छी तरह से बांध देंगे। देखिए, इसे हम पर्दे पर अच्छी तरह से बांध देंगे। ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है और पर्दा भी नहीं उड़ता है। ये काफ़ी महंगे मिलते हैं तो हम घर पर ही इसे बना सकते हैं और हमारे पैसे की भी बचत हो सकती है। देखिए, ये कितना खूबसूरत लग रहा है। अब मेरी पांचवी टिप भिंडी को लेकर है। भिंडी या लोबिया सुबह के टाइम काटते समय, एक एक भिंडी काटते समय हमें काफ़ी दिक्कत होती है, तो हम आज बिना चाकू बिना कैंची से हम आपको एक साथ भिंडी कैसे काटें उसका टिप दिखाते हैं। अब हम सारी भिंडियों को इकट्ठा कर लेंगे। जो ख़राब भिंडी होगी उसे हम इसमें से निकाल देंगे और सारी साफ भिंडियों को हम इकट्ठा करके इसमें एक रबर बैंड लगा देंगे। इससे हमारी भिंडी एक साथ अच्छी तरह से एक बराबर कट जाती है और फट से सुबह के समय हमारा काम हो जाता है। देखिए, ये नीचे का पार्ट हम निकाल कर फेंक देंगे। अब भिंडी को हम कट करेंगे। आपको हमारे सारे टिप्स कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताइएगा और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। देखिए, भिंडी कितनी अच्छी तरह से जल्दी जल्दी एक साथ कट जा रही है और एक बराबर कट रही है। ऐसे ही हम सारी भिंडी को काट लेंगे। आप चाहे तो लोबिया को भी ऐसे ही काट सकते हैं। आपको हमारी ये टिप कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।